एक्सरसाइज 12.1 देखते हैं। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है एवलुएट। फर्स्ट पार्ट में है आपका 3 रेस टू द पावर -2, सेकेंड पार्ट में है -4 होल रेस टू द पावर -2 और थर्ड पार्ट है आपका 1/2 होल रेस टू द पावर -5। आपको करना है इसे एवलुएट, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें तो आपको ये कंप्लीटली रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। 3 रेस टू द पावर -2 है, ठीक है। पावर को हमें बनाना है पॉजिटिव, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3 रेस टू द पावर 2। और इसको जब आप पावर को ओपन करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 रेस टू द पावर 2 है तो क्या होगा, 1/3 × 3, ठीक है, और 1/3 × 3 = 9। तो ये आपका आंसर हुआ। बात करें सेकेंड पार्ट की तो सिमिलर करना है, -4 रेस टू द पावर -2, राइट। पावर नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव बनाना है सबसे पहले, तो 1/-4 होल रेस टू द पावर +2, ठीक है। अब करना है क्या अपने को, तो 1/-4 × -4, ठीक है, 1/-+, ठीक है, 4 × 4 = 16, ये आपका आंसर हो। थर्ड पार्ट देखें तो सॉल्यूशन, 1/2 होल रेस टू द पावर -5, ठीक है, तो 1/2 होल रेस टू द पावर -5 है तो +5 होगा, ठीक है। अब सुनो, 1/2 क्या हम लिख सकते हैं कि 1/5/2 ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, यानी कि 2/5/1 इक्वल टू, इसे ओपन करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 × 1 × 1 × 1 × 1, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 32/1 विच इज इक्वल टू 32, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। जो आपके पास में रिजल्ट गिवन है उसको आपको पावर नोटेशन में लिखनी है। उसके साथ साथ अगर किसी रिजल्ट की, मान लीजिए, या जो आपके पास में गिवन है एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर उसकी पावर नेगेटिव रहता है तो आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं रहने देना है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले -4 रेस टू द पावर 5, ठीक है, डिवाइड है तो क्या करेंगे, अगर हम इसको इनटू में लिखते हैं तो 1/-4 होल रेस टू द पावर 8 कर दें, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं ना। माइनस, या तो आप ऐसा करें, सिर्फ पावर इसमें रहने दें, कंफ्यूजन ना, ठीक है, -4 रेस टू द पावर 5 इनटू, मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं, -4 रेस टू द पावर -8, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है तो -4 होल रेस टू द पावर 5 -8, ठीक है, तो -4 होल रेस टू द पावर -3। अब आपको इसे यहीं पे नहीं छोड़ना है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपको बनानी है। तो क्या करेंगे, 1/-4 होल रेस टू द पावर 3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सिमिलर करना है इसे तो सॉल्यूशन, 1/2 रेस टू द पावर 3 होल रेस टू द पावर 2, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, 1 रेस टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 2 रेस टू द पावर 3 होल रेस टू द पावर 2। ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए 1 का स्क्वायर कर दो, या तो 1 का पावर एक्सपोनेंट ऑफ 100,000 डाल दो, 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो 1/2 होल रेस टू द पावर 2, ठीक है, इसको हम बाहर ले सकेंगे,
ठीक है, जब बाहर लेंगे तो 1 अपॉन 2 होल रेस टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, पावर ऐड होगा यहाँ, सॉरी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। नाउ थर्ड पार्ट तरफ मूव करते हैं, तो माइनस 3 होल रेस टू द पावर 4 इंटू 5 रेस टू द पावर 4 अपॉन 3 रेस टू द पावर 4 कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, अब करना क्या है, ठीक है, अब अपने को करना क्या है, ये कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, तो फाइनली अपने को क्या मिलने वाला है। अच्छा, इसे ओपन करके भी अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि पावर इवन है, ठीक है, तो 5 रेस टू द पावर 4। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो 3 रेस टू द पावर माइनस 7 है, क्या मैं इसे 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 7 कर दूं, ठीक है, और डिवाइड में है तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर माइनस 10। इसकी नेगेटिव साइन चेंज मत कर देना, मैंने सिर्फ ये साइन को चेंज किया, ठीक है, डिवाइड में था मैं मल्टीप्लाई में लेके आ गया। नाउ इनटू 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 5, ठीक है, इसे भी पॉजिटिव हमने कर दिया। अब सुनो करना क्या, इसकी पावर हमें पॉजिटिव बनानी है, तो 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 7 इंटू 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 3 रेस टू द पावर 10, ठीक है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 12 होगा, चलो मैं सो करता हूँ, ठीक है, 7 प्लस 5 इंटू 10 3 रेस टू द पावर 10, ठीक है, तो 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 12 इंटू 3 रेस टू द पावर 10। अब इसको मैं नोमेटर में लेके चलता हूँ, तो 3 रेस टू द पावर माइनस 12 इंटू 3 रेस टू द पावर 10, ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं, तो 3 रेस टू द पावर माइनस 12 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर माइनस 2। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनानी है, ठीक है, तो 1 अपॉन 3 रेस टू द पावर 2 ये आंसर हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से हमें करना है फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन, तो 2 रेस टू द पावर 3 है, तो 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर 3, ठीक है, माइनस था, हमने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदल दिया, इंटू 1 अपॉन माइनस 7 होल रेस टू द पावर माइनस 3 है तो प्लस 3, ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 अपॉन, ठीक है, 2 इंटू माइनस 7 और होल रेस टू द पावर 3, ठीक है, पावर सेम है बट इसकी जो बेस है वो डिफरेंस, ठीक, तो 1 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 14 होल रेस टू द पावर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड भी कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, और मज़ा आ रहा है तो दिल से लाइक करना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अब हमें क्या करनी है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, सॉल्यूशन 3 रेस टू द पावर 0, ठीक है, 3 रेस टू द पावर 0 प्लस 4 रेस टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 2, ठीक है, 3 रेस टू द पावर 0 इट मीन्स 1 प्लस 4 रेस टू द पावर माइनस 1 इट मीन्स 1 अपॉन 4 इंटू 2 रेस टू द पावर 2 इट मीन्स 4, एलसीएम लेंगे तो 4, ठीक है, 4 प्लस 1 इंटू 4 ये कैंसिल आउट होगा, फाइनली आपको मिलेगा 5, ये आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट का देखते हैं, 2 रेस टू द पावर माइनस 1 इट मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू 4 रेस टू द पावर माइनस 1 इट मीन्स 1 अपॉन 4, ठीक है, डिवाइड और इसे भी हम चेंज कर देते हैं इनटू 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर माइनस 2, ठीक है, इसकी पावर
पॉजिटिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिवाइड मेथड हमने मल्टीप्लाई में चेंज किए हैं, इसके एक्सपोनेंट पे, इसकी पावर पे, इसके इंडेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 और 4 2 8, ठीक है, इंटू, इसको मैं नोमिनेटर में लेके जाऊंगा क्योंकि पावर हमें पॉजिटिव करना है, तो 2 raised to the power 2। ठीक है, 1/8 इंटू 2 raised to the power 2 मीन्स 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इट मीन्स 1/2 वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो अपने पास थर्ड पार्ट है 1/2 whole raised to the power -2 प्लस 1/3 whole raised to the power -2 प्लस 1/4 whole raised to the power -2। ठीक है, तो अपने को करना क्या है कि सबसे पहले पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो 1/1/2 whole raised to the power 2, ठीक है, प्लस 1/1/3 whole raised to the power 2 है प्लस 1/1+4 whole raised to the power -2 प्लस 2। समझो, पावर को हमने पॉजिटिव बनाया, ठीक है, ये रेशनल के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब सुनो क्या करना है, 1/1 raised to the power 2 upon 2 raised to the power 2 प्लस 1/1 raised to the power 2 3 raised to the power 2 प्लस 1/1 raised to the power 2 upon 4 raised to the power 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 raised to the power 2 प्लस 3 raised to the power 2 प्लस 4 raised to the power 2 और 2 raised to the power 2 इट मीन्स 4, 3 raised to the power 2 इट मीन्स 9, 4 raised to the power 4 इट मीन्स 16, ऐड करेंगे तो 29। ठीक, ये आंसर हुआ। ठीक, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, तो 3 raised to the power -1 प्लस 4 raised to the power -1 प्लस 5 raised to the power -1 होल रेस्ट टू द पावर 0, आने वाला 1 है, लेकिन हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन 1/3 + 1/4 + 1/5, ठीक है, इसकी पावर में 100 नहीं किया, 1 तो होता ही है, होल रेस्ट टू द पावर 0। एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 60। ठीक है, तो ये 20 + 15 + 12 whole raised to the power 0, ठीक है, ऐड करेंगे तो 47/60 whole raised to the power 0 = 1, ये आंसर हो। ठीक, लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ सॉल्यूशन, घबरा के बिल्कुल मत करना, पहली कंडीशन। ठीक है, क्या करना है ये समझो, तो 1/-2 raised to the power 3 whole raised to the power 2, मैंने सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाया, ठीक है, और होल रेस्ट टू द पावर 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं किसे अलग अलग करके लिखता हूं, तो 1/2 raised to the power 2 -2 है, रहने दो, ठीक है, और 3 raised to the power 2 whole raised to the power 2, ठीक है, अब ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 raised to the power 2 upon -2 raised to the power 2, ठीक है, whole raised to the power 2। तो पावर देखें तो क्या है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3/-2 whole raised to the power 4। ठीक है, अब कंप्लीटली इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 3 raised to the power 4 upon -2 raised to the power 4, ठीक, 3 raised to the power 4 इट मीन्स 81, -2 raised to the power 4 इट मीन्स 60। ठीक है, पावर इवन है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर तो है, ठीक है, अगर ऑर्डर आता तो नेगेटिव आता। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए।